हेलो गाइस, मैं खुशी, वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। एक शख्स ने एक होटल में जाके खाना भी खाया और उसके साथ शराब भी पी, और उसके बाद आया उसका बिल 68,000। और उसके बाद उसने कर दिया मना कि ये तो मेरा बिल ही नहीं है, और उसके बाद हो गया वो अरेस्ट। तो चलिए जानते हैं ये मामला कहाँ का है और 68,000 बिल कैसे आया। क्या वो वहाँ के रेस्टोरेंट की गलती है या वो उसे शख्स की गलती है। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की न्यूज। ये मामला स्पेन के इबिजा आइलैंड का है, जहां पर एक रेस्टोरेंट है। सो गाइज, अगर आप भी कभी कभार रेस्टोरेंट जाते हो, फाइव स्टार रेस्टोरेंट में जाते हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो, और कभी कभी क्या होता है कि वहां पे मेन्यू कार्ड नहीं होता, हम लोग ऑर्डर कर देते हैं और ऑर्डर करने के बाद ही बिल आता है, और बिल आने के बाद ही पता चलता है कि उसका इतना ज्यादा प्राइस है। तो ऐसे तो अगर आप जा रहे हो तो आपको पता ही होता है कि आपकी पॉकेट में इतने पैसे हैं और आपको इस रेस्टोरेंट में जाना है और उस रेस्टोरेंट का इतना बिल हो सकता है, और उस बिल के बाद ही आप उस रेस्टोरेंट में जाते हो अपने पैसों के अकॉर्डिंगली। पर ये जो शख्स था, ये रेस्टोरेंट में पहुंचा और रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद खाना पीना तो खाया, और उसके साथ ही उसने महंगी महंगी ड्रिंक्स वगैरह भी ऑर्डर की और काफी ज्यादा नशे की हालत में था। उसके बीच में उसने एक शैंपेन की बॉटल ऑर्डर की जो थी 54,000 की। सिर्फ एक ही बॉटल 54,000 की थी। और उसके बाद जब वो काफी ज्यादा नशे में था, तो और होटल के लोगों ने उसको बिल पकड़ाया, वो बिल था 68,000 का। और जब उन्होंने उसको बिल पकड़ाया, तब उस शख्स ने उस बिल को लेने से ही इनकार कर दिया। उसने ये चीज बोल दी कि ये बिल ही मेरा नहीं है। वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था। तो वहां के जो रेस्टोरेंट के लोग थे, तब उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस वाले वहां पर आए और उस शख्स को अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद ये केस चला गया कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद ये केस काफी दिन तक चलता रहा, और कोर्ट ने ये चीज बोला कि तुम ये पैसा जो भी है रेस्टोरेंट को वापस कर दो, क्योंकि तुमने ही ये खाया है और पिया है, ये तुम्हारा ही पैसा है। तो उसने ये चीज बोली कि मैं नशे की हालत में था और मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो ये चीज उसने बोला, और फिर उसके बाद कोर्ट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उसको बोला कि 2 से 3 महीने तक इस पैसे को क्लियर कर दिया जाए, अगर तुम इसको क्लियर नहीं कर रहे हो तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट ये कर लिया। तो अभी भी इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है कि वो शख्स कितने दिन में इस पैसे को रिटर्न करेगा। रूइस क्रिस्टल रोज 2008, ये है उस शैंपेन का नाम जो कि 54,000 की थी, जो कि उस शख्स ने लिया था, और उसके बाद उसके पास बिल आया 68,000 का। सो गाइज, कभी कभार शैंपेन वगैरह हम लोग लेते हैं और बड़े बड़े ओकेजन वगैरह में लेते हैं, और शैंपेन काफी ज्यादा कॉस्टली होती है, और बोला जाता है कि शैंपेन 500 रुपए से 1,000 रुपए से लेके लाखों तक है, और ये तो 1.5 लाख रुपए के करीब वो शैंपेन पी गया। सो गाइज, अगर आप भी कभी कभार कहीं पे जा रहे हो, कोई बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हो, और पहले तो उस बॉटल का या तो खाने का रेट पूछ लीजिए, और रेट के बाद ही उसको ऑर्डर कीजिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी आप ही के हाथ में है। अगर आज की न्यूज़ जान के आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाते जाते कमेंट करते हुए ज़रूर जाइए, और एक लाइक ठोकते हुए भी ज़रूर जाइए। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ लेके आ पाएं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।